किताबों की, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई किताब आप लिख रहे हैं, बल्कि दो किताबें लिख रही हैं। नहीं, पहली दो पे तो एक ही चीज लिखी हुई है। पहली किताब है प्रदीप, एंटरप्रेन्योरशिप सिंप्लीफाइड फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। अशोक सोटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माइंडट्री के फाउंडर थे, आजकल वो एक नई कंपनी चला रहे हैं, उसके भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स। इस किताब के बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर अशोक सोटा का एक इंटरव्यू 4:57 पे आने वाला है, वहां जिन लोगों को इस किताब में ज्यादा दिलचस्पी हो वो उसे देख सकते हैं। लेकिन इतना बताना जरूरी है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं, और जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं लेकिन बिजनेस के अंदर की या अपने जीवन को चलाने के कुछ अच्छे सूत्र पढ़ना चाहते हैं, उन सबके लिए यह किताब काम की किताब है। ये पेंगुइन ने पब्लिश की है और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। दूसरी किताब भी ये, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने बात कर ली, दूसरी किताब है स्टार्टअप की दुनिया की, और ये किताब मैंने हर्षदा को पढ़ने के लिए दी थी। हमारे साथी हैं पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के बिजनेस एडिटर हैं सुविन सिन्हा, उन्होंने लिखी है टिप ऑफ द आइसबर्ग, और बाकी इसके बारे में हर्षदा। क्योंकि इतना स्टार्टअप्स का हमने देखा है चलन बड़ा है, तो सुविन सिन्हा ने टॉप जो प्रोमिनेंट नाम है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील, पेटीएम, ओला, उन सबके फाउंडर से बात की है। और नॉर्मली एज जर्नलिस्ट हम इन लोगों से मुलाकात करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने कैसे कारोबार को शुरू किया उसकी जानकारी हमें होती है, लेकिन ये आइडियल बुक है उन सभी लोगों के लिए जो ये सर्विसेज यूज करते हैं या फिर सोचते हैं कि यू नो ये छोटी सी आइडिया कैसे कारोबार में बदली। मैं स्पेशली जो मेरा सबसे पसंदीदा चैप्टर था वो पेटीएम वाला था, जहां पर विजय शेखर शर्मा के बारे में लिखा गया है कि कैसे वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, 14 साल के थे जब उन्होंने 12th क्लास पूरी कर ली थी, तो इज प्रैक्टिकली अ जीनियस। 15 ईयर्स के हुए तो जेईई के लिए उन्होंने एक उनको बोला कि आप 15 साल पूरे कर लीजिए तभी हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देंगे, तब उन्होंने इंग्लिश पढ़ना शुरू की है। तो वो एक किताब स्पेशली इंजीनियरिंग की हिंदी में पढ़ते थे और इंग्लिश में साथ में पढ़ते थे। स्नैपडील के कुणाल बहल का एक एग्जाम्पल है जहां पर उन्होंने कैसे कोल्ड कॉल करके अपना पहला क्लाइंट हायर किया, क्योंकि 1000 लोगों से मिलते थे, सब बोलते थे अच्छा कल आइए परसों आइए, फाइनली इनके पास एक यूएस का नंबर था, उससे इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के मार्केटिंग ऑफिस हेड को फोन किया और फिर बोला कि बॉस मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उसने बोला अच्छा भाई यूएस से नंबर आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बोला चलो कल मिल लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि कैसे लोगों ने की छोटी सी शुरुआत की। अपेरेंटली भावेश अग्रवाल ओला के फाउंडर के पेरेंट्स वेल रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, जब इन्होंने बोला कि मैं कुछ ट्रैवल बिजनेस से शुरू करना चाहता हूं, इनिशियल रिएक्शन इतना हेजिटेशन था कि भाई क्या कर रहा है, तो ट्रैवल एजेंट बनेगा क्या। तो ऐसे किस्से हैं, बहुत ही ब्रिलियंट किताब है। आप उन लोगों के एक बिल्कुल नया चेहरा देखते हैं जिनके नाम आपने सुने हैं, कुछ लोगों के साथ आपको अपना रिश्ता महसूस होता है, बहुत ही ह्यूमन साइड। सबसे अच्छी बात यह है कि यह किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, शुरू से आप जब पढ़ना शुरू करते हैं इसका प्रोलॉग पढ़ने में ही आपको लगता है कि आप एक पूरा उपन्यास पढ़ गए हैं। तो यानी जो आप देखते हैं वो टिप है और पूरा आइसबर्ग इस किताब से देखकर आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक और किताब जो आपके पास है, ये तो हिंदी की किताब दिख रही है। ये हिंदी की किताब है प्रदीप, ये मेरी बहुत प्रिय किताब है, 30 साल पहले मैंने पहली बार पढ़ी थी शायद, और उसके बाद मैं इसको अभी हाल में मैंने दोबारा खरीदी है और ये कम से कम 10-12 बार मैं पढ़ चुका हूं। इसका नाम है चौरंगी, बांग्ला के एक मशहूर लेखक हैं शंकर, उनका उपन्यास है चौरंगी, जो कलकत्ता में एस्प्लेनेड नाम की जगह है उसको बांग्ला में चौरंगी कहा जाता है। वहां इस किताब के हिसाब से शाहजहां नाम का एक आलिशान होटल होता था, उसके अंदर इस किताब का जो हीरो है उसको संयोग से नौकरी मिल जाती है। वो कोलकाता जाता है किसी काम की तलाश में, जहां जाके वो होटल में नौकरी करने लगता है, फ्रंट ऑफिस क्लर्क भी बनता है, दूसरे काम भी करता है। तो एक होटल के अंदर काम करने वाले को दुनिया कैसे दिखती है, वहां कैसे कैसे किरदार आते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारी कहानियां, किस्से, उनके अंदर छिपे हुए किस्से, ह्यूमन साइकोलॉजी, जिंदगी के कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब आपको। और क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमें, अगर हम ये देखें कि हमें जाकर ये रोल प्ले करना पड़े, तो हमें कितनी स्टोरीज उस एक रोल में मिल सकती हैं। फिर मैंने सोचा कि इसी तरह आप अगर एक टैक्सी ड्राइवर होकर एक किताब लिखें या किसी दूसरे रोल में जाकर एक किताब लिखें, तो आपको क्या क्या लिखने को मिल सकता है।
ये इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं। चौरंगी राजकमल की किताब है, बहुत पुरानी किताब है, बांग्ला में बहुत बेस्ट सेलर रही है वहां। और ये इसके साथ बताना जरूरी है कि बांग्ला में एक ट्रेडिशन है, शंकर हैं, विमल मित्र हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी उस वक्त भी लाखों किताबें बिकती थी, आज भी बिक रही हैं। जब हिंदी में हम लोग रोते थे कि लेखक लिखे कैसे और उससे जिंदा कैसे रहे, चुटकुला चलता था कि क्या करते हो भाई, लेखक हूं। लेखक तो हो लेकिन करते क्या हो।